और जिसमें वो आम आदमी को जिस तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। जिसके इतने ब्रोकर सिस्टम में इतने ब्रोकर और इतने दलाल आ चुके हैं कि वो सारा बिना पैसे के आज आम आदमी के साथ देना चाहिए बिना कमीशन की इजाजत नहीं देंगे। तो हमको इन चीज़ों पर एक वॉकडॉक करना हमारी पार्टी, और जब आप काम करना शुरू कर देंगे एक प्रकार में आपने दो चीज की इम्पोर्टेंट डेली की देगी, और जब आप करते हैं उसको दिखाना चाहिए। तो हमें फोकस करना है कि हम काम करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचारित करें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो इसका इम्पैक्ट जो से हमने एक दूसरे को बताया, हाँ मैं एक दूसरे में चर्चा करें, एक घटना होती है, एक मामले होते हैं, तो अपने आप दस लोगों में चर्चा होती है, अरे पार्टी वाला बहुत अच्छा है, उनको कह दो, उसके बाद लोग को जो प्रॉब्लम होगा तो अपने आप आपके पास आना। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन भी होगा कि पहले हम सेलेक्टेड मुद्दों को चूज करें, जहाँ जेन्युइनली उसको एक मदद की जरूरत है वो करें, और उसको उसकी मार्केटिंग करें, लोगों को दिखाएं कि अगर मेरे पास तुम आते हो तो हम, और हम बिल्कुल भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने की मदद करें, हम तो ये कह रहे हैं कि राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई अटल कर नहीं है, देश का दुर्भाग्य है कोई अटल कर नहीं है, विपक्ष नहीं है। तो हमारा पहला है, हमारा पहला मोटिव है कि हम पहले विपक्ष का रोल करें। और 100% राजनीति करने की बात, राजनीति करें या सोशल किसी जाति की नहीं, किसी जाति धर्म 100% की जो आपने ये भी कहा है कि हम उनके आप हिंदू है, हम मुसलमान है, दलित है, महादलित है, उनको विपक्ष कर रहे हैं, उनका विपक्ष कर रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि सरल प्रदेश में उस ऊंचाई को दे दिया, सबको एक बराबर का दर्जा मिल जाए, सब लोगों को जो उनका अधिकार है वो अधिकार मिले, सब लोगों को भोजन मिले, सब लोगों को आवास मिले, सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला सके। जो अभी भी वैमनस्यता है समाज में, अभी भी है, टिकट किसको मिल रहा है, वोट किसको मिल रहा है, अभी भी जाति व्यवस्था है। हम कितनों भी कुछ करके रह जाए, क्या उनकी जाति व्यवस्था फूट कर भरा हुआ है। जो पंचायत में हम चले जाए वहाँ भी जाति के नाम पे मुखिया का चुनाव हो रहा है, चाहे जिला परिषद में चले जाए, विधायक के पास चले जाए, चाहे किसी भी लेवल पे जाए, सब जाति व्यवस्था को कम से कम दूर तो गए, लोग समझ में आना चाहिए कि एक दूसरे में हिंदू मुसलमान हो रहा है, मारा मारी हो रहा है, एक मुद्दा किसी न किसी मुद्दा को लेकर चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें को कम से कम समाज से तक कम करें, एक बहुत बड़ा मुहिम होगा अगर हम इस पर काम करें कि हमारे लिए कोई जाति व्यवस्था की बात नहीं रहता। जितने भी बोर्ड है हर 2 महीना 3 महीने में बोर्ड दे रहता है, हाँ फिर वापस उसमें कुछ ना कुछ डालता है, हम भी परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान होता है। ये चाह रहे हैं कि कमाई का एक साधन बन गया बाढ़ पे, बाढ़ की समस्या इतने सालों से लगातार है, कोई भी स्थायी समाधान काम करे कोई काम के नहीं है, और फैक्ट्री तो बंद है, तो ये जनता का पैसा है। सरकार जनप्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा कमाने का मुद्दा उन्होंने बना रखा है कि उनको जो भी क्या है कि जो फंड्स मिलते हैं फंड्स को लिक्विडेट कहाँ करेंगे, उसी के तहत उसी में उनको कमीशन मिलता है, उसी के तहत वो अपना काम करते हैं। पैसे एक चीज जैसे आपका व्यापार प्रपोज है, हमें बताते हो व्यापार प्रपोज में आप क्या करेंगे, आप लोग व्यापार आप व्यापारियों को व्यापारियों को जोड़ेंगे, तो आप बताएंगे कि भाई हमारा क्या एक तो पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग मीन्स होगा, आपका व्यापार प्रपोज है, व्यापार प्रपोज में जो हमारे व्यापारी भाई जाएंगे उनको भी तो राइट्स चाहिए, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सारी तरह का टैक्सेशन की सुविधा है, लेकिन उनको क्या सुविधा मिल रही है सिवाय उनको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं मिला जाता। आप ऐसे ही आपका एक टर्नओवर बना दिया जाए, इनकम टर्नओवर में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक टैक्स पेयर को गवर्नमेंट क्या सुविधा दे रही है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए गवर्नमेंट को करना। उस तरह की जो बातें आएंगी अगर व्यापारी प्रमुख संगठनों के पास आएंगे तो उनके लिए क्या क्या फायदे हैं कि हम उसको काम कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो एटलीस्ट जो टैक्स पेयर है टैक्स पेयर को भी उनको एक कार्ड मिलना चाहिए, उनको अगर कहीं वो सफर कर रहे हैं कहीं प्लेन में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं बस में जा रहे हैं तो उनको एक सोसाइटी से भी ये मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। टैक्स तो आप ले रहे हैं आपसे लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हमको और फंसा रहे हैं, जो बेचारा टैक्स नहीं दे रहा है वो तो खुश है,
वो जो कैश में